नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 में नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ नंबर 3, कुत्ते की वफादारी, जिसके लेखक है लल्लू भाई रबारी और पाठ का प्रकार है कहानी। तो विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ में लेखक ने हमें यह बात बताई है कि सिर्फ इंसान यानी कि मनुष्य ही वफादार नहीं होते, जानवर भी वफादार होते हैं। यहाँ पर हमें कुत्ते की वफादारी के बारे में लेखक ने बताया है। वफादारी का अगर हम अर्थ देखें तो यहाँ पर मैंने लिखा है वफादारी की निष्ठा। यहाँ पर हमें उसे स्वामी भक्ति के रूप में लेना है, स्वामी के प्रति भक्ति निष्ठा से क्या कहेंगे, वफादारी। तो आपकी पुस्तक भी निकाल कर बैठिए और मैं पाठ आपका समझाती हूँ। तो आप पुस्तक में भी देखिए, पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। बहुत पहले की बात है कि उस समय एक जगह से दूसरी जगह पर सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। बंजारा यानी कि एक घूमकड़ जाति, यानी कि वो एक जगह पर स्थिर रहते नहीं है, वह घूमते रहते है। एक बंजारा था, वह अपने ऊंटों पर गांव का माल सामान लाकर शहरों में ले जाता था और वहां से मिश्री यानी कि चीनी गुड़ मसाले आदि भरकर गांव तक ले आता था। एक बंजारा था, वो क्या करता था, अपने ऊंटों पर माल सामान एक गांव से लेकर शहरों में और शहरों से लाकर गांव में वो बेचता था। लाखों का व्यापार था उसका, वो 100, 200, 1000 इतने में नहीं मगर वो लाखों का व्यापार करता था, इसीलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था, कुत्ता बड़ा वफादार था। लाखा जो है उसने एक कुत्ता पाल रखा था और वो कुत्ता जो है वो बड़ा ही स्वामी भक्त था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। यहाँ पर मैंने पड़ाव यानी कि यात्रा में उस समय के लिए कहीं ठहरना यानी कि यात्रा करते एक गांव से दूसरे गांव जाते वक्त जब अंधेरा हो जाता है तो उसी जगह पर वो बंजारा जो है वो ठहर जाता था। तो बंजारा जहाँ पर सोता था उसके पड़ाव की कुत्ता जो है वो रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत ही खुश था, क्योंकि वह अपने मालिक का अच्छी तरह से ध्यान रखता था, इसीलिए बंजारा कुत्ते से बहुत ही खुश था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया। मार खा जाना यहाँ पर मुहावरा है, यानी कि किसी की मार नहीं खाना कि खा ले हमें, मार खा जाना यानी कि नुकसान होना। एक बार क्या होता है कि बंजारा लाखों में व्यापार करता है मगर एक बार वह व्यापार में उसको नुकसान होता है, उसे रुपयों की जरूरत आ पड़ी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा, उसने अपनी बात बताई। अभी बंजारे के पास तो पैसा नहीं था, इसीलिए वो एक सेठ के राधनपुर के सेठ के पास जाता है पैसा लेने के लिए। सेठ ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगा मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे, गिरवी यानी कि अमानत। मैं तुम्हें रुपये तो दे दूंगा मगर तुम मुझे रुपये वापिस दोगे उसकी क्या गारंटी है, तुम मुझे अमानत के तौर पर कौन सी चीज छोड़कर मेरे पास जाओगे। लाखा बोला सेठ जी मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। यहाँ पर फूटी कौड़ी भी न होना ये मुहावरा है, यानी कि पास में पैसा न होना कुछ भी नहीं है। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है, मेरी जबान पर विश्वास रखे और मुझे रुपये दे दीजिए। लाखा जो है सेठ से कहता है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, आप मैं जो कहता हूँ उस पर आप विश्वास कीजिए और मुझे पैसे दे दीजिए, मैं आपकी पूरी रकम सुख समेत एक साल में ही चुका दूंगा। लाखा सेठ से कहता है कि मैं तुम्हें सूद यानी कि ब्याज, तो ब्याज जो है उस
जितना पैसा लेता हूं उस पे जितना भी ब्याज लगेगा उतने पैसे मैं आपको दे दूंगा। सेठ बोले कोई बात नहीं, तुम्हारे पास कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। सेठ कहता है तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो ये जो कुत्ता है वो ही मुझे अमानत के तौर पर दे दो। जब तुम सारे रुपए लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापिस दे दूंगा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था, उसके पास कोई चारा नहीं था। ये भी एक मुहावरा है कि कोई उपाय न होना। अभी कुत्ते को सेठ को देने के बजाय उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं था। रुपये लेकर वह चला गया। कुछ दिन बीते, एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहां से 9-2-11 हो गए। तो यहाँ पर 9-2-11 होना भी एक मुहावरा है। 9-2-11 होना यानी कि भाग जाना। कुत्ता वहां भौंक भौंक कर सेठ को बताने के लगा। एक दिन क्या होता है, लाखा बंजारा तो अपना कुत्ता सेठ के वहां पर छोड़कर चला जाता है। और एक दिन क्या होता है कि सेठ के यहाँ पर चोर जो है वो चोरी करने आते हैं और कुत्ता जो है वो ये सारी चीजें देख लेता है और कुत्ता ने सेठ को भौंक भौंक कर उठाता है। बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गए। सेठ जो है वो तो एकदम चकित ही हो गया ये सारी चीजें देखकर, क्योंकि उसकी दुकान में जो माल सामान था वो तो सब चोर लोग ले गए थे। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। विद्यार्थी मित्रों, आपकी पुस्तक में भी ये चित्र है, उसे भी आप देखना है। पूरी किताब में चित्र भी दिया हुआ है कि देखो किस तरह कुत्ता जो है वो सेठ को लेकर जाता है। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। जहां चोरों ने माल छिपाया था वहां जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया। कुत्ता सेठ को उस जगह पर ले जाता है जहां पर चोरों ने माल सामान रखा था और पूरा अपने पैरों से कुत्ता उसे खोदता है और पूरा सामान निकल आता है। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था। सेठ को तो अपनी खोई हुई सारी चीज माल सामान मिल जाता है, इसीलिए सेठ तो बहुत ही खुश हो जाते हैं, बहुत ही आनंदित हो जाते हैं। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। वो कुत्ते को प्रेम से उसके ऊपर हाथ से फेरने लगा। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गया। यहाँ पर मैंने लिखा है मुग्ध होना यानी कि प्रसन्न हो जाना। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले में पट्टे में बांधकर कहा, कुत्ते भाई जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारे के पास, तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। सेठ का सारा सामान जो है वो मिल जाता है, इसीलिए सेठ कुत्ते पर प्रसन्न हो जाते हैं और वह कुत्ते को मुक्त कर देते हैं और उसके गले में एक चिट्ठी लिखकर उसे भेज देते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे बंजारे के साथ में भी कुत्ता जो है वो वफादारी करता था, स्वामी भक्ति निभाता था। ठीक यहाँ पर भी कुत्ते ने अपने सेठ के साथ भी वफादारी निभाई, इसीलिए सेठ जो है वो प्रसन्न हो जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, अगले का हम आगे के वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।